रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अंजलि सुनाइए फिर, क्या मैसेज है आपके लिए? प्ले साइशु ऑफ कर दीजिए, नहीं तो बचता रहेगा। साइशु मुनव्वर, तुम तो ब्लश करने लगे। बहुत क्यूट है ये। मुझे लगा उस दिन तुम, मतलब सायशा तो रो रही थी, तुम उससे ज़्यादा फूट फूट के रो रहे थे। तुम्हारे जो अंदर से जो भावनाएं निकल के आई, माफ़ी मांग ले सायशा, माफ़ी मांग ले, ऐसे मत जा सायशा, ऐसे मत जा, तो मुझे लगा कि मतलब इतना ज़्यादा गहरा उसे प्रेम, इतना ज़्यादा भावनाएं निकल के आई। नहीं, अच्छा लगा मुझे देख के। उसे बहुत बैडली रहना था शो में। She wanted to stay very bad. वो गलती की वजह से। अंजलि आप अपनी जगह पे आके बैठ जाइए जरा। मुनव्वर, अगर आप कहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी करूं क्या? Yes. 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 हाँ? अगर आप हाँ कहेंगे तो आपकी इच्छा पूरी करूं क्या? मतलब साइशा वापस आ जाएगी? हाँ। In the game. Yes. Okay, तुम्हारी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी की बात नहीं कर रही, मैं गेम की बात कर रही हूँ। क्या है कीमत? कीमत भी पता चलेगी आपको, पर पहले वो आपको कुछ जलवे दिखाना चाहती हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे बाहर आने के बाद भी कई मैसेजेस भेजे, और सबसे ज़्यादा तो आपका दर्द देख के मुझे काफ़ी वो लगा कि नहीं, जो दोस्ती थी, और बाकी सब, नॉट जस्ट यू, सब कैदियों ने उनको मिस किया, और उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि अगर मैं आऊं तो मैं मुनव्वर के लिए अनारकली पहन के आना चाहती हूँ। देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स देखना ही पड़ेगा, आप जब यहाँ तक आ गए हैं तो। यस प्लीज, चलिए। यस प्लीज। गार्ड्स यहाँ पे आ रही है, वो वीडियो पे। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सब लोग सेटल हो जाइए। लेकिन मुझे आपसे कुछ एक बात करनी है, आप बताओ तब मैं बताऊंगी। आप आगे आ जाइए, कहिए आपको क्या कहना है।
फॉर यू. मेरे बाहर जाने के बाद हैशटैग ब्रिंग बैक साइशा की बहुत ट्रेंडिंग हुई. मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, लेकिन बाहर जाते ही मैं अपनी माँ और मेरी चार बिल्लियों की दुनिया में खो गई. फिर एक दिन मेरे सोशल मीडिया टीम ने मुझे बताया कि एक स्पेसिफिक स्टोरी थी जो एक फ़ैन ने लिखी थी, जो मैंने इंस्टेंटली डिलीट करवाई. बाद में पता चला वो एक ट्रोल था. इस ट्रोल ने क्या लिखा था? शो के होस्ट को चेंज कर दो. फिर मैंने ये सवाल खुद को पूछा, कंगना को चेंज करके कौन आ सकता है, कौन? आई टुक फॉर एवर टू थिंक एंड आई वेंट ब्लैंक एंड देन द ऑब्वियस आंसर केम, नो वन कैन रिप्लेस कंगना रनौत. नॉट ऑन लॉकअप, नॉट एनीवेयर एल्स. सिंपली पुट, देयर इज ओनली वन कंगना रनौत. My mother's political ideologies, religious ideologies are completely contradictory to mine. My sister, who passed away 4 years ago, had a completely different perspective and opinion on life than mine. But did I ever disrespect them? No. Did I ever stop loving them? No. Strong, inspiring women should not be disrespected, period. My mother, sister, and Kangna's point of view can be different, but we can coexist, and that is true democracy. But my disrespecting Kangna was just not acceptable. Why? Because Kangna is the owner of this jail, and I am her Qaidi. Qaidi hazar aa jayenge, but the owner of this jail can't be anyone else. She makes the show what it is. She makes the jail what it is. If there is no Kangna, there is no bloody lockup. जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने किसका डिसरिस्पेक्ट किया है, जस्ट लाइक आई लव माई मदर एंड सिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ आर डिफरेंट ओपिनियंस, सिमिलरली आई लव कंगना. आई हैव लव्ड हर बिफोर द शो, आई लव हर ड्यूरिंग द शो, एंड आई नो आई विल लव हर आफ्टर द शो. बस दो सेकेंड और. मैंने पूरे शो में बहुत डिमांड्स किए हैं, बट अब एक लास्ट रिक्वेस्ट है. द वुमन हु मेक्स ऑल माई आउटफिट्स लुक किक एस, कंगना रनौत. Kangna, K, Queen, please accept my apology and let me make you laugh as I've made you laugh each and every Judgment Day except the last one. Sure, your apology is accepted. Yeah! And in friends, हम लोग यहाँ पे चाहे jail और कैदी के ही रिश्ते से क्यों ना हो, but otherwise we are friends. Thank you. And you all can see me in that capacity. ये हम लोग role play ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे, but essentially I'm your friend and nothing more than that. और दोस्तों के बीच में नोक झोंक झगड़े होते हैं. मुझे भी इस बात का बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कॉन्वर्सेशन इस तरह से आउट ऑफ हैंड हो जाएगी कि अचानक से तुम्हें लॉकअप से लॉकआउट करना पड़ेगा, बिकॉज यू वर अनकंट्रोलेबल दैट डे. और बाद में लेकिन मुझे जैसा सब कैदियों को लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ द जेल, और वो बहुत ही प्रीमेच्योर एग्जिट था आपका. ना आप वो डिज़र्व करते थे ना गेम के हिसाब से. एंड आई थॉट के जब आपने भी ये इच्छा दिखाई कि आप आना चाहती हैं वापस, तो आई हैड नो पर्सनल एजेंडा और आई नेवर हैड एनी पर्सनल एजेंडा. एंड आई थिंक यू आर गुड फॉर द शो एंड आई होप यू प्ले द गेम वेल नाउ एंड यू डू योर बेस्ट. यस, थैंक यू के. थैंक यू सो मच मैम. लेकिन अभी तक आप साइशा आप आए नहीं हो, आप सिर्फ एक ऑफर हो. नहीं, इट्स ओके, टेल मी. ओके, अंजलि इज इन द पोजीशन ऑफ पावर टू चूज और टू लेट गो. मुनव्वर कैसा लगा है ऑफर? बढ़िया है. सीरियसली लेविश. लेकिन कीमत भी वैसी होगी. तो क्या लगता है मुनव्वर, अंजलि को ले लेना चाहिए ऑफर या नहीं? कीमत सुननी चाहिए और कीमत सुन के थोड़ा 2-3 मिनट सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए. मैम कीमत क्या होगी? सो ऑफर है साइशा, और अगर आप चाहें तो साइशा को लेफ्ट ब्लॉक में अपनी टीम में ले सकते हैं और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये मेरा दरबार है, यहाँ कीमत भी हल्की नहीं होगी. कीमत होगी पूरे 75 या 80 किलो की, जो अभी
उस दरवाजे से अंदर आएगी। बोला ना मैं तुम्हारे को लेके आएंगे। यस अब मैं आएगा ना मेरे फुल पावर, फुल पावर। ओह माय गॉड, तो कह ही रहा था कि लोचा है भाई, लो क्या ऊपर ले ले फटाफट लो यार। आई कांट नंबर इट्स सो सरियल राइट नाउ। हाथ रख दो सर पे। आई लव यू बाबा। केवी बूम बम एंट्री मारी है आपने। मैं थैंक यू सो मच कंगना। लगता है आप दोनों को जेल की हवा खाने का अब शौक लग गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ज़्यादा ही रास आ गई आपको जेल की हवा। मैं मम्मी को बोला था कि मैं ना लॉकअप में जा रहा हूँ वापस, वो थोड़ी डर गई वापस फिर से, बोले नहीं वो कंगना का लॉकअप। आपको जिशान और विनीत दोनों ने मिलकर आपको लॉकआउट किया था पहले दिन से, अभी तक आपकी गेम काफ़ी सुधरी है और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में इन दो स्पीड ब्रेकर्स ने आपकी जर्नी जो है रोक दी। एन अब्रप्ट एंड जो आपकी जर्नी में आया था वो हम सबको ही कुछ ज़्यादा अत्याचारी लगा। तो क्या करें, ये खेल है ही अत्याचारी। सही है। तो लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है लॉकअप होता है। क्या लग रहा बाबा, डैशिंग। अभी तक आप दोनों गेम में शामिल हुए नहीं हैं, डिसीजन अंजलि के हाथ में है। मेरा सेकंड ऑफर है साशा इन लेफ्ट ब्लॉक और कीमत है करणवीर। मतलब यू हैव टू लेट गो ऑफ करणवीर एंड ही विल गो टू राइट ब्लॉक। अगर आप साशा को लेफ्ट ब्लॉक में रखना चाहते हैं तो करणवीर जाएंगे राइट ब्लॉक। सोच लो, और अगर मैम साइशा को राइट में डाल के करणवीर को लेफ्ट में लेते हैं देन पॉसिबल है? नहीं, जो ऑफर है वही ऑफर है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कैन आई से समथिंग? मैं जब टीम ब्लू को देखता हूँ ना, मुझे घर की याद आती है, मुझे वो स्कूल के फेयरवेल की याद आती है, कॉलेज के वो दोस्तों की याद आती है मुझे। और रियली जाने के बाद जब मैंने इन सबको देखा, इतने मायूस थे सब लोग जितना मैं था। मैं देख रहा था और मैं रोता था, और सबके दिल इतने भारी, सो वैल्यूबल, सो मतलब बेशकीमती। मैंने तब सोचा कि अगर ये तो लॉकअप है, अगर जिंदगी से भी मैं बाहर जाऊं ना, दिस इज द लव, रियली दिस इज द लव दैट आई वॉन्ट टू टेक, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग। जो प्यार, जो ट्रस्ट, जो फेथ था हम लोगों में, यू नो दैट वॉज फिनोमिनल। बट ब्लू में आना यानी घर आना, यानी कि कंफर्टेबल होना, यानी कि सेफ होना। आई एम नॉट कम टू दिस लॉकअप टू प्ले सेफ। आई नो इट्स अ हार्ड डिसीजन बट आई एम मेकिंग इट लिटिल इजी फॉर यू। ऑरेंज में इट नीड्स अ डायरेक्शन, ओके? और अगर मैं ऑरेंज में जाऊं, आई वुड लव टू हैव दैट सेम हाउस, दैट सेम स्कूल फेयरवेल, द सेम कॉलेज feeling thodi badlegi. Look, I'm shaking right now. I'm shaking right now. Sach mein itna mujhe don't worry. KV maine suna tumne kya kaha, calm down, lekin ye decision sirf Anjali ka hai. I know it needs love and I'm a love monster. Yes,
अंजलि, जब सायशा गई थी yes, ma'am. तो आप काफी रोई थी yes, ma'am. और उनको रोकने की कोशिश भी कर रही थी और yes. आपने यहाँ तक कहा था कि ये क्या हो रहा है, दिस इज सो अनफेयर. तो अब आप उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाह रही? मैम वो तो है ही हमारे पास, बट चलिए अब आपको ऑफर नंबर 3 भी देते हैं. सेकंड ऑफर इनवैलिड नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट इनवैलिड हुआ है. ओके उठाओ, उठाइए. व्हाट इज दिस? ये है केवी और सायशा दोनों के बैच नंबर्स. ओके मेरा तीसरा और फाइनल ऑफर ये है, आप सायशा और केवी दोनों को लेफ्ट ब्लॉक में ले सकती हैं, लेकिन आपको अपना कोई एक मेंबर राइट ब्लॉक में भेजना होगा. ओके तो किसको भेजना चाहेंगे? विनीत. अच्छा मुनव्वर, आप किसको भेजना चाहेंगे? मैं? मेरे को बुलाया नहीं आपने झोलकर. नहीं नहीं, फिर भी आपकी क्या लगता है किसको भेजना चाहिए? अली. अजमा, आप किसको भेजती? अली. विनीत, आप किसको भेजना चाहेंगे? फारूकी. पूनम, आप किसको भेजती? विनीत. अली, आप किसको भेजते? मेरी ऑलरेडी काफी बॉन्ड हो चुकी थी ऑरेंज टीम में, तो आई वुडंट माइंड गोइंग इन द ऑरेंज टीम. थैंक यू. जिंदगी कुछ मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो तो आपको पता ही है. तो ये जो मेंबर होगा आपकी टीम से राइट टीम में जाने वाला, वो मैं चूज करूंगा. Okay. जब ऑफर दमदार है तो कीमत तो दमदार होनी चाहिए ना. सोच सोच, 2-3 मिनट ले. अंजलि, रिस्क ना लेना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, और जो आपको सेफ लगता है वहीं आप सबसे ज़्यादा अनसेफ हो. जो करण ने कहा ना कि अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन में चला गया तो मैं सेफ हो जाऊँगा, और जहाँ पे ये सेफ हो गए वहाँ ज़िंदगी की जेल में ये अनसेफ हो जाएंगे. और ये जो मेरा लॉकअप है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. यस मैम. मैम सेकेंड ऑप्शन. शुक्र है, क्या बात है. बूम. तो आपने सेफ ऑप्शन लिया. और एक बार सोच, और 2 मिनट ले. अरे अब तो बोल दिया, अब तो चिड़िया चुगे खेत बोल दिया. मुझे तुम दोनों चाहिए हो, बट आई कांट. तेरा जो मन है वो कर तू. स्टैंड एंड यू मेक अ डिसीजन, स्टैंड बाय इट. यू नो यू कैन मेक अ डिसीजन, यू विल मेक अ वाइज डिसीजन, है ना. बट मैम, ने अगर उसको मुनव्वर को चूज किया तो नहीं. अगर तेरा ये डिसीजन है तो ये सही है, वो है तो वो सही. स्टिक टू व्हाट यू से. व्हाटएवर इज योर डिसीजन इज योर डिसीजन. और समटाइम्स सेफ डिसीजन. मैम 1 मिनट. हां बस. मैं जो चाहती हूँ, जो कैदी राइट ब्लॉक में जाए, मैं आपको उसका नाम भी बता सकती हूँ. यस मैम प्लीज. मुझे लगता है ये उसकी गेम के लिए और ये शो के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप में वो दूरदर्शिता नहीं है तो शायद आप वो डिसीजन ना लें. लेकिन मैं मुनव्वर को राइट ब्लॉक भेजना चाहूँगा. मतलब मुझे अलग ही रखो मुन्ना से. आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स से. मैम इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है ही नहीं. नो. सेकंड ऑप्शन. तो मतलब आप मुनव्वर के बारे में अब उससे भी नहीं पूछना चाहेंगे? नहीं. खुद आप उसके लिए उसके डिसीजंस ले रही हैं. हाँ, उससे क्या पूछना. आपने कहा ही था लास्ट वीक. आगे बढ़ गई गुरु से. सोच. नहीं. थर्ड ऑप्शन के लिए. सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन के लिए सोच सकती हूँ. ये मुनव्वर की गेम के लिए बहुत अच्छा होगा अगर मुनव्वर ये चैलेंज लेगा, बिकॉज इसकी गेम स्टैग्नेट हो जाएगी अब इसके बाद. तुम्हारे चेले पे अभी कुछ भी नहीं चलता क्या? तुम्हारा क्या पता, ये मेरा ही चल रहा हो. सो यू डोंट वांट टू टेक दैट ऑफर? आई डोंट थिंक. उससे जो ठीक लगता है, मतलब दोनों ही देखने जाओ तो ऑफर जो दोनों ही है वो दोनों में ऐसा है कि 50-50 वाला ही सीन है कहीं ना कहीं. बट उसको शायद अगर वो लगता है तो
उसका डिसीजन है। इसका मतलब आप भी खतरों से खेलना पसंद नहीं करते हैं, आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। इसीलिए तो दो बार मैंने उसको रोका कि सोच सोच के कर, आई डोंट माइंड यहाँ पे वो जो भी लेगी, आई डोंट रियली डोंट माइंड। मुझे आई एक्सपेक्टेड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू, आई थॉट यू विल टेक इट हेड ऑन, पर चलिए एनी वे। तो आपका डिसीजन है अंजलि कि आप साइशा को अपने पास रखेंगी और करणवीर को राइट ब्लॉक में जाने देंगी। तो करण आप अपनी राइट ब्लॉक में सीट ले लीजिए। मुबारक हो, क्या बात है, फुल पावर। नो हम यहीं हैं, सामने तो है। साइशा वेलकम टू लॉकअप, आप लेफ्ट ब्लॉक में बैठ जाइए। सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा पूरा ना। To a new start, maybe. To a brand new start. I think I need you if I stay back. Om Namah Shivaya. I need you very badly. Hello, Mahadev. Love you. Payal, कैसा लगा आपको करणवीर को अपनी टीम में वापस पाके? I'm happy. अंजलि आप अपनी जगह पे आ जाइए आप. Thank you, ma'am. I can't believe I'm sitting here. आपकी जगह तो साइशा ने ले ली. मुझे तो अभी यकीन हो रहा है कि मैं इधर बैठी हूँ और इन लोगों के साथ बैठी हूँ, इसलिए आप इन दोनों के बीच में बैठी हैं, है ना? आवाज उनकी इतना अच्छा है ना? नहीं देख रही हूँ मैं क्या चल रहा है एक हफ्ते में यहाँ पे, बड़ी तबीयत की है, सब देखना वेखना, खा रहा है नहीं खा रहा है, बैंडेज लगी है नहीं लगी है, सब देख रही हूँ मैं। रुक बेटा। तो आप लोग बिछड़े दोस्तों से बात कीजिए, आई विल बी बैक। मुझे अब मेरी रूम में जाना है, जिस रूम के लिए मैं इतना तड़पी हूँ। I've kept your stuff. I know it, this still feels so strange that I'm still here. Guys, I can tell you one thing. What's happening? यहाँ पे तुम लोगों को बहुत लगेगा कि you all can't handle it, बहुत परेशानी है, ये है वो है। जैसे ही बाहर जाओगे लगेगा fuck. काश मैं और हार्ड खेली होती। मुझे और के मेरे देखते आपको क्यों यू जस्ट फील दैट जो हम लोग का बॉन्ड बना है। यस बाबा, कपल का बॉन्ड बनता है, भाइयों का बॉन्ड बनता है। मैं बात करता हूँ मेरे रियली आंखों में आंसू आते हैं। जो मैं तो वही और के मेरे देखते आपको कुछ कुछ भी हो जाए देख और टफ होने वाला है भाई। ये मैं ना पाँच लोगों को छः लोगों को ना मैं घर लेकर जाना चाहता हूँ। बस वही चीज़ है ये तो, इसलिए यही तो कमाया जिंदगी में और क्या कमाया होगा। बहुत डिसीजन खतरनाक होंगे बट जो लोग बाहर फील कर रहे हैं ना भाई, मैंने देखा है तुम लोगों को यार। बाबा लव यू यार, जान निकल गई थी मेरी तो, आज वापस आई है मैं जान तो मेरी। सीरियसली बहुत भारी पड़ा था। वेलकम बैक हियर, आई होप यू मेड योर स्पेस। या ट्रैंक गुड डिसीजन, नथिंग पर्सनल Bro, nothing is personal out here. Bas, we go back from reality show, we leave everything out here. What happens in a reality show remains in the reality show. Super, super. Kyun nahi diya? Third option leke. KV, Saisha, dono aate. Tere ko bhej de. Haan. Seriously? This is a strong player. A player. Jisko pata hai hum kaisa khelte. Hum kaisa sochte. Usko tune opposite team mein de diya. अब मेरे को नए प्लान बनाने पड़ेंगे, नए षड्यंत्र बनाने पड़ेंगे एक रात में। ठीक है बता दे कि भाई को भी डिसअपॉइंटेड नहीं, डिसअपॉइंट क्यों हूँ मैं? इट वॉज योर डिसीजन, जो तुझे ठीक लगा वो तुमने डिसीजन लिया। नेवर नो यहाँ पे रोज चीज़ें चेंज होती है। थैंक यू। सब कैदी अपनी जगहों पे वापस आए। तो टीम वापस से शफल हो गई है, करणवीर यहां आ गए हैं राइट में और साइशा वहां चली गई है। कैसा लग रहा है टीम मेंबर्स? शिवम, अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत याद आ भी रही होगी, लेफ्ट ब्लॉक को अब नहीं आएगी। अब मुझे भी याद नहीं आ रहे हो, बाबा इधर है, जहां अपना लीडर वहां पे हम बात करता हूं, एंड ऑफ स्टोरी। करणवीर और साइशा एक हफ्ते बाद आए हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है इनके आने से सबसे ज्यादा कौन हिल गया है? मेरे आने से मुझे पता है दो लोग थोड़े शौक में है कि उनका बेनकाब जोन फेल हो गया।
तो जिशान, करण का कहना है कि आप और विनीत थोड़ा हिल गए हैं इनके वापस आने से, आपका क्या कहना है इस पे? वही दिन बेनकाब हो गई थी कंगना जी, एंड द थिंग इज दैट मैंने तभी भी उनसे कहा था कि मैं ऑरेंज टीम का हिस्सा होने के लिए गया था एंड ऑब्वियसली ब्लू टीम से एक ही नाम था, सो आई हैड नो अदर ऑप्शन, आई हैड टू गिव हिज नेम, किसी और का अपनी टीम में से नाम नहीं दे सकता, और आई अपोलोजाइज फॉर दैट टू हिम. बट हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर, बिकॉज आई डिडंट, नो बिकॉज आई डिडंट नो हिम दैट वेल, इनफैक्ट आई डिडंट नो एनीवन, एंड इतना बड़ा डिसीजन ऑन माय फर्स्ट डे आई डिड दैट, एंड ही वाज लाइक ओके गुड, ऑल गुड आफ्टर दैट. पर जब विनीत का भी नाम करण आया, आई जेन्युइनली फेल्ट बैड, आई वाज लाइक यार मतलब हाउ, ये कैसे हो गया, मैं अभी जस्ट आया हूँ, आई डोंट नो एनीवन, एंड यू नो मेरे वजह से एंड विनीत के वजह से समवन इज यू नो अबाउट टू लीव द शो. आई वेंट अप टू हिम एंड आई वाज लाइक आई एम रियली सॉरी ब्रो, एंड ही इज लाइक ब्रो डोंट टच मी, सो आई वाज लाइक बट हाउ डू यू डोंट हैव टू बी सॉरी, जब आप कुछ करते हो ना वो अत्याचारी खेल है कंगना, जैसे आपने कहा ये शो ही ऐसा है. You know, of course, you are here to play the game. Exactly. And you should not be sorry. Mm. Vineet, aapka kya kehna hai ispe? Ma'am, it's just a game. I was playing my game, that's it. Lekin game abhi baki hai, mere doston. Aaj aap mein se koi ek out hoga. Wo do aaye to hain, lekin ek koi out hone wala hai. Aaj hai judgment day. Aur aaj hoga sare unsafe kaidis ka judgment. पायल, पूनम, अली, आजमा और निशा सब बाहर आ जाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं, आपको यहां बचने के चार मौके मिलते हैं. पहला जजमेंटल जनता, दूसरा जब आपके को कैदीज आपको बचाते हैं, तीसरा सीक्रेट्स, और चौथा मैं खुद. जनता किसी एक को मैक्सिमम वोट्स देके बचा सकती है, लेकिन आखिर में बचे अनसेफ कैदीज की किस्मत का फैसला मेरे हाथों में होता है. अब आते हैं जजमेंटल जनता पे. हमारी जो बाहर वाली दुनिया है ना, वो आपको हर चीज में जज करती है. कैसे खाना खा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, कैसे उठते बैठते हो. तो ये सोच लो, जब वो सारा हफ्ता 24/7 आप लोगों को देखते हैं, तो आपको कितना जज करते होंगे. बेसिकली आप कुछ करो तो भी जज होंगे, और अगर ना करो तो भी जज होंगे, क्योंकि जनता है ही जजमेंटल. और आज जो जजमेंटल जनता का फैसला है, वो एक कैदी जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं हो जाएगा सेफ. क्या लगता है चार्जशीट लगे हुए कैदीज में से सबसे ज्यादा वोट्स किसे मिले होंगे? अंजलि मैम, मुझे लगता है आजमा. मुनव्वर, आजमा पायल में से एक, चाहता हूँ आजमा को आए हो. पायल और पूनम का नाम तो परमानेंट हो गया है चार्जशीट में. शिवम, आपको क्या लगता है? मैम, आजमा और पायल जी में से कोई एक होगा जो सेव हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस आजमा के हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट फ्लेवर लेकर आई हैं इस शो में, तो मुझे लगता है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा. बस यही एक रीज़न है मेरा, और बाकी चिल्लम चिल्ली तो लोग देख ही रहे हैं इतने महीनों से मैम की. करणवीर, आप बाहर से, आपको क्या लगता है किसको बचाया होगा जनता ने? पूनम की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है पूनम और आजमा भी हो सकती है, बिकॉज आजमा इज अगेन एक नई स्पाइस है वो. सो आई थिंक इट्स बिटवीन पूनम एंड आजमा. शायशा, आपको क्या लगता है? आई फील आजमा, जैसे सबने कहा, शी इज ब्रिंगिंग समथिंग वेरी डिफरेंट टू द शो. आई डोंट अग्री विथ हाफ द थिंग्स शी डज, बट इट्स वेरी डिफरेंट फॉर द शो. तो आई फील ऑडियंस ने आजमा या तो पूनम में किसी को बचाया होगा, बट आई फील आजमा को ही बचाया होगा. करणवीर, आपका जजमेंट सही था. जनता ने जिसे बचाया वो है पूनम. पूनम, यू आर द मोस्ट वोटेड कंटेस्टेंट दिस वीक. आपको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं ओवरऑल भी इस वीक
आपकी एंगेजमेंट भी सबसे ज़्यादा है. कंग्रेचुलेशंस, आपको जजमेंटल जनता ने बचा लिया है. थैंक यू. टेक योर सीट. अब बचे आप चार कैदीज जो अभी भी अनसेफ है. अब अपनी कैलकुलेशंस लगाइए और सोचिए आप में से कौन होगा इस लॉकअप से आज लॉकआउट. आई विल बी बैक. Congrats, sizzling boo. Congratulations, sizzling boo. रो क्यों रही है? Just break. हाँ? See, all the stress has broken down. पता है कितनी late आई है तू? अरे आज मूवी निकाल दिए बाप रे वाह क्या बात. मैं कितना लेट आई. कितनी लेट आई है तू? वन डे में. क्या मैं देख रहा हूँ ना. क्रेजी फैन बोलो लिटरली. कमेंट सेक्शन ब्लॉक करवा रखा था. साबित हो गया है कमेंट सेक्शन इसलिए हैंग हुआ था. पूनम जी वादा पता है ना. इनफैक्ट वहाँ पर बात ट्रेंड रहा है. नहीं पूनम पूनम वहाँ पर ट्रेंड चल रहा है. ब्रिंग पूनम बैक आउटसाइड. पूनम पांडे जो अपने बात से मुकरती नहीं है. आदि शक्ति है. फुल पावर. फुल पावर. यस आई एम डिसअपॉइंटेड माय फैंस. I will make sure Poonam Pandey apna promise pura karegi. Kya kya? You will go topless if she goes, if she gets saved this week. No, 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 no. I'll tell you. Not topless. Saisha, what did you say? Topless. No, not topless. Okay. मुझे किसी ने बोला यहाँ पे मुझे नहीं पता. सब अपनी जगहों पे बैठ जाइए. इस हफ्ते हमने देखा कि जेल में बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही थी. लुका छिपी की बहुत ज़्यादा गेम्स चल रहे थे. कोई लोग उल्टी सीधी हरकत करके मुंह छुपा रहे हैं. कोई कॉइन्स छुपा रहा है. कोई ड्रायर छुपा रहा है. तो कोई जूते. तो मैं आप लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हो गई हूँ. मैंने सोचा मैं भी कुछ छुपा देती हूँ. सो अनसेफ कैदीज, मैंने यार्ड एरिया में चार कार्ड छुपाए हैं जिसमें से दो कार्ड्स शिवम से इंस्पायर्ड हैं. Hey, yes, man, versatile, the versatile. सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड होता है ताश के पत्तों का. जोकर. जोकर कार्ड. यस, कुछ भी बन सकता हूं मैं कभी भी. और दो कार्ड्स कुछ और कैदियों से इंस्पायर्ड हैं. आप खुद गेस कर लेना. गुलाम के कार्ड्स. और यही कार्ड्स आज आपकी किस्मत तय करेंगे. अगर आज आप खुद को लॉकअप से लॉकआउट होने से बचाना चाहते हैं तो आपको इन कार्ड्स को ढूंढना होगा. ये बाथरूम एरियाज में नहीं है, सिर्फ यार्ड एरिया में है. आपकी किस्मत आज इन्हीं कार्ड्स में है. अगर आपको कार्ड्स मिल जाएं, तो यार्ड एरिया में आकर कैमरा में आके दिखा देना. और हाँ, इसमें किसी की मदद लेने की कोशिश मत करना. ये खुद ट्राई करो और खुद ढूंढो. आप लोग कार्ड्स ढूंढिए. You can't help. मुझे कार्ड मिल चुका है. स्मोकिंग एरिया. सब लोग अपनी अपनी जगहों पे वापस आ जाइए. चार्जशीट वाले कैदी जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े हो जाइए. तो बताइए किस किस को क्या क्या कार्ड्स मिले. मैम मुझे दो कार्ड्स मिले जोकर के. जैक जे. मुझे एक कार्ड मिला है जोकर का. नहीं, ये गुलाम के कार्ड्स है. दो. चार अनसेफ कैदी थे तो चारों को एक एक ही ढूंढने थे. लेकिन चलो असमा तुम्हारा जैकपॉट लगा. नॉट अ प्रॉब्लम. तो नाउ यू हैव टू बी जेनरस. पायल और निशा में से किसी एक को आप अपना कार्ड दे सकती हैं. एक
मतलब मैम देना ही पड़ेगा आपको, एक ही चाहिए निशा। पायल और निशा, आप लोग एक कार्ड को कितनी बार दोनों पूरी छानबीन करके उसको मिस करती हुई आई हैं, आई विल शो यू। काला पानी में जाइए नीचे डंजन में और वहाँ देखिए। निशा आप रहने दीजिए, आपको कार्ड मिल चुका है। वहाँ स्टेयर्स के पास देखिए पायल, दीवार पे देखिए, दीवार पे ये यही होता है, आंखों के सामने चीज़ें होती हैं और फिर भी दिखाई नहीं देती। ताश में जोकर का कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ भी जोकर्स की कोई कमी नहीं है जो चेहरे पे मुखौटा डाल के घूम रहे हैं। ये जोकर्स यानी कि आपके को कैदीज आप में से किसी एक को बचाने का फैसला करेंगे। अब देखते हैं ये जोकर्स आप में से किसकी गेम पलटते हैं। आपको मिला है गुलाम कार्ड और आज आप अपने को कैदियों के गुलाम बनते हैं। तो जोकर आया है पायल और अली के पास, राइट? कैन यू शो योर कार्ड्स? तो देखते हैं अब ये आप में से, आपके को कैदीज आप दोनों में से किसकी गेम पलटते हैं। बाकी के दोनों जिनको गुलाम मिला है बैठ जाइए। तो एक एक करके सारे कैदीज बताएंगे कि इन दोनों में से किसे बचाना चाहते हैं और क्यों। विनीत, मैं अली को बचाना चाहूंगा, आई हैव अ गुड बॉन्ड विद हिम। मैम अली, बिकॉज वो हमारी टीम में है और कोई मतलब नहीं बनता पायल को बचाने का, इसलिए अली। डेफिनेटली अली, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। पायल का खैर नेक्स्ट। मुनव्वर, मेरा थोड़ा शॉकिंग होगा, अली मर्चेंट को बचाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत इम्प्रूव कर रहे डे बाय डे और जैसे कि अभी देखा वो कार्ड भी ढूंढना था तो उनको मिल गया, पायल को नहीं मिला। तो इट्स अ रेगुलर गेम प्ले ऑफ पायल कि समझ में बहुत लेट आता है, तो आई थिंक अली। अजमा, आई थिंक अली, अभी उसका गेम थोड़ा बहुत इतना मुझे कुछ खास लगता नहीं है, बस वो टास्क परफॉर्म करता है, उसके अलावा मैं कुछ एक्टिविटी नहीं देखती हूँ, बट स्टिल आई थिंक उसको सेव करूँगी ताकि वो कुछ करके दिखाए। पूनम, ऑब्वियसली अली फॉर मी, अली का गेम बहुत बहुत चेंज होता दिख रहा है अभी और ही इज प्लेइंग अमेजिंग एंड मैं चाहती हूँ कि ये शो में रहे और इस गेम को और अच्छे से खेले जैसे वो खेलते हैं। ज़िशान, अली मेरा भाई है एंड डे वन से मेरी उसके साथ बॉन्ड हुई है, तो ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, अली। वंदना, डेफिनेटली अली, ही इज माई मैन एंड आई थिंक आई हैव बीन हैविंग ए रियली नाइस क्राफ्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप और व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम टू सी हिज गेम, इट्स इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड आई डेफिनेटली थिंक ही डिजर्व्स अनदर चांस टू बी इन द जेल टू प्रूव हिम इवन हिमसेल्फ एंड हिज गेम इवन मोर। शिवम, मैम अली को ही बचाना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पायल जी जाएंगी, क्योंकि मैं साइन ऑफ गॉड में बिलीव करता हूँ, क्योंकि उनको कार्ड नहीं मिला, इस वजह से मेरा यही एक रीज़न रहेगा कि वो यहाँ पे, ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि यहाँ पे रहें वो, और कोई रीज़न नहीं है। और अली की गेम मैं देख ही रहा हूँ कि जैसे डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है, इज अ गुड मैन, तो आगे देखते हैं। वो चीज़ है। निशा, सो आई फील अली बिकॉज नॉट ओनली इज ही गुड विथ हिज टास्क बट ऑल्सो ही इज हाईली मिसअंडरस्टूड, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इस बात के लिए। एंड आई थिंक पायल, आई हैव फाइनली अंडरस्टूड हर दिस वीक, सो आई डेफिनेटली वॉन्ट हर टू गो होम। करण, मैं पायल की कोई भी बात मैं नहीं मानता हूँ, बट बिकॉज मैंने खुद मेरे दिमाग में मैंने चूज़ किया है ऑरेंज के लिए एंड आई थिंक एटलीस्ट वन चांस एवरीबडी शुड गेट। मैं तब ब्लू में था तब आई डोंट वांट टू गिव हर एनी चांस, आई वुड लाइक टू गिव हर दैट वन चांस एंड लेट्स सी इफ शी प्रूव्स मी रॉन्ग और राइट, आई विल गो फॉर पायल। डजंट मैटर, ये वोट तो ऑफकोर्स मेजोरिटी हो गया लेकिन आपने वोट नहीं दिया, आपने कुछ और किया। तो पायल, ये तो आपको एक्सपेक्टेड होगा ही कि आपने कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं, अलायंसेस नहीं बनाए हैं, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आई एम ओके विद दिस, आई नो दे डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक देम,
But I am happy to hear Karan's point of view because Karan ke jaane ke baad bahut cheeze hui ghar ke andar jahan pe actually I felt that Karan was good. He was a good, good player. And maybe really yes yes in not a mean way in not a mean way. दो दिन बाद मुझे उसके खिलाफ भड़कारी थी. देखो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें मैं नहीं believe करता हूँ और मैंने देखी भी है. बट उनको मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ. बट आई वुड लाइक टू गिव यू दैट वन अपॉर्चुनिटी. यस ओके. फॉर आवर टीम सी यू हैव गॉन आउटसाइड एंड यू हैव सीन एंड आई एम ओके विद व्हाटएवर यू हैव सीन बिकॉज़ आई स्टैंड बाय व्हाटएवर आई हैव सेड डन स्पोकन. आई रिमेंबर एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि मैं मुंह पे कुछ हूँ पीठ पे कुछ हूँ. सो आई एम ओके विद व्हाटएवर. बट आई एम ग्लैड यू जस्ट सेड माय नेम फॉर दैट वन बिट बिकॉज़ ये घर में क्या है, भेड़ चाल है. एक जाएगा सब भेड़ चाल की तरह वहां पे चले जाएंगे. लास्ट वीक अली को कचरा बोलना था तो सब भेड़ चाल की तरह उसको कचरा बोल रहे हैं. इस वीक अली और पायल खड़े हैं. एक मिनट वी नॉट टॉकिंग टू यू. सो वी नॉट टॉकिंग. शी इज नॉट आस्किंग यू. सो डोंट बट इन. डोंट बट इन यार. यू विल गेट योर टाइम. डोंट बट इन. ईरान से आइए. डोंट बट इन. सो आई एम ओके विद. ईरान से आइए ना. कहाँ से आइए. So the whole thing is, I am okay that they have supported him because इसने दो हफ्ते काम किया है. इसने टास्क में मेहनत करी है. इसने बॉन्ड्स बनाए हैं सबके साथ. जिस व्यक्ति को लास्ट वीक कचरा बोला गया उस व्यक्ति को आज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं. विच इज़ अ गुड गेम नो फॉर हिम. सो आई एम हैप्पी फॉर हिम. बट फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी. इसकी हैप्पीनेस आपकी सैडनेस ना बन जाए. यस अली जी आप तो सेफ हो गए हैं क्योंकि आपको आपके को कैदीज ने सेफ किया. थैंक यू गाइस. आप जाके सेफ कैदीज के साथ बैठ सकते हैं. सो डू आई हैव टू गो आउट. यस. कैन आई से बाय. और पायल आप अभी भी अनसेफ हैं और आप बॉटम में जाती हैं. ओके. देखा एक कार्ड कैसे पूरा का पूरा गेम बदल सकता है. लेकिन दो और कैदीज अभी भी अनसेफ हैं. आप लोग सोचिए कि आगे क्या होगा. आई विल बी बैक.